अक्षय करेंगे अब धमाकेदार वापसी। उनकी अगली फिल्म रक्षाबंधन के ट्रेलर पर बड़ी खबर। हम सभी को तो पता ही है कि बॉलीवुड के मिस्टर खिलाड़ी इकलौते ऐसे एक्टर हैं जो एक साल में एक नहीं दो नहीं बल्कि चार चार फिल्में करते हैं। दूसरे स्टार्स एक साल में दो या ज्यादा से ज्यादा तीन फिल्में ही कर पाते हैं। अक्षय कुमार की ज्यादातर फिल्में हिट ही होती हैं, लेकिन जब से कोरोना आया है उसके बाद से रिकॉर्ड टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोरोना के बाद से अक्षय की दो बड़े बजट की फिल्में बच्चन पांडे और सम्राट पृथ्वीराज रिलीज हुई, पर दोनों ही फ्लॉप रही। इसलिए अक्षय के फैंस उनकी आने वाली फिल्मों से उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो फैंस को बता दें कि अक्षय कुमार की एक और फिल्म रिलीज होने को है, वो है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन एक आगामी हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। जी स्टूडियोज बैनर तले बनने जा रही फिल्म के डायरेक्टर आनंद एल राय हैं। फिल्म रक्षाबंधन से जुड़ी फैंस को चौंकाने वाली कुछ खास खबर आपको बता दें कि ये फिल्म का ट्रेलर अब जल्दी रिलीज किया जाएगा। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक रक्षाबंधन ट्रेलर को इसी महीने में रिलीज किया जाएगा, वो भी अगले दो हफ्तों के अंदर। वैसे आपको बता दें कि इस फिल्म को हिमांशु शर्मा और कनिका ढिल्लो ने लिखा है और इसी फिल्म के माध्यम से मेकर्स भाई बहन के बीच के प्यार, बंधन और लगाव के बारे में बताना चाहते हैं। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ साथ भूमि पेडनेकर मुख्य भूमिका में दिखाई देंगी, तो वहीं सपोर्टिंग रोल में अभिनय राज सिंह, सहजमीन कौर, दीपिका खन्ना, सादिया खतीब और स्मृति श्रीकांत होंगे। फिल्म 11 अगस्त 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। आपको बता दें कि फिल्म को बनाने की घोषणा 3 अगस्त 2020 में हो गई थी, पर इस फिल्म को 5 नवंबर 2021 में रिलीज किया जाना था। कोरोना के चलते इसकी रिलीज को पोस्टपोन करना पड़ा, तब से फैंस को इस फिल्म का इंतजार है। अब ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि क्या यह फिल्म की कहानी लोगों को कनेक्ट कर पाएगी और क्या अक्षय कुमार इस फिल्म से वापसी कर पाएंगे।